एवरीवन, वेलकम टू सरदाना का डेकोर। तो आज हमारे पास जो गाड़ी आई थी वो स्कॉर्पियो एन का Z6 मॉडल आया था। तो देख सकते हो इस गाड़ी में हमने काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन की है सरदाना का डेकोर पे। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल में जो हमने इसमें लगाई है, हेडलाइट के अंदर LED इंस्टॉल की है। तो इस गाड़ी के अंदर जो इंस्टॉल की गई है दोनों सेट हमने इसमें लगाए हैं, जो वीब्रोसोनिक 180 वोल्ट की LED इंस्टॉल किया है, वो भी मैं आपको एक बार वर्किंग दिखा देता हूँ। हाई बीम और लो बीम दोनों के अंदर जो हेडलाइट की LED इंस्टॉल की गई है। बात करें नीचे की तरफ तो इसमें जो हमने लगाई है ओरिजिनल महिंद्रा की फोग लैंप इंस्टॉल की गई है। तो ये देख सकते हो जो हाई लो दोनों बीम इसमें काम करेंगे, हाई में भी LED इंस्टॉल किया और लो बीम में भी LED इंस्टॉल की गई है। तो आपको फोग लाइट दिखा देता हूँ। तो इस गाड़ी के अंदर जो फोग लाइट इंस्टॉल की गई है वो ओरिजिनल हमने इसमें जो फोग लाइट इंस्टॉल किया है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे जो पार्किंग सेंसर भी हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए हैं। तो जो इस गाड़ी के अंदर फोग लाइट इंस्टॉल की गई है वो ओरिजिनल महिंद्रा की ही हमने इसमें जो फोग लाइट इंस्टॉल किया है। हेडलाइट की आपको मैंने दिखाई थी जो LED इंस्टॉल की गई है। तो अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की। तो रियर प्रोफाइल में भी हमने इसमें जो बैक कैमरा इंस्टॉल किया है वो दिखा देता हूँ कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। जो रियर कैमरा इंस्टॉल किया गया है यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, देख सकते हो जो हमने इसमें कैमरा लगाया है वो HD कैमरा इंस्टॉल किया है नाइट विजन के साथ। तो अब बात करते हैं रियर सेफ्टी के लिए जो हमने इसमें लगाई है। पीछे की तरफ देख सकते हो एक बम्पर इंस्टॉल किया गया है जो सेफ्टी पर्पज़ के लिए लगाया जाता है। तो अब दिखा देता हूँ साइड प्रोफाइल में भी हमने जो इसमें लगाए हैं अलॉय व्हील इंस्टॉल किए हैं, ओरिजिनल अलॉय व्हील इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। देख सकते हो महिंद्रा के ओरिजिनल जो अलॉय व्हील हैं आपको हमारे पास स्टॉक में मिलेंगे। तो अब आपको दिखा देता हूँ। तो लोअर गार्निश भी इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल की गई है। तो ये देख सकते हो जो पीछे तक की जो हमने इसमें लोअर गार्निश इंस्टॉल किया है ये भी आपको हमारे पास ओरिजिनल महिंद्रा की मिलेगी, देख सकते हो। तो ये देख सकते हो जो अलॉय व्हील इंस्टॉल किए गए हैं, इसके साथ गाड़ी बिल्कुल टॉप मॉडल लग रही है। तो अब बात करते हैं कुछ अंदर के खास मॉडिफिकेशन जो हमने की गई है। इंटीरियर में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मैटिंग के बारे में। तो इस गाड़ी के अंदर जो फ्लोर मैटिंग इंस्टॉल की गई है देख सकते हो, उसके साथ गाड़ी की जो एक लुक है बिल्कुल चेंज हो चुकी है। साथ ही साथ में बात करें सीट कवर की, तो इस गाड़ी के अंदर जो सीट कवर लगाए गए हैं देख सकते हो फुली बकेट सीट कवर हमने इस गाड़ी में इंस्टॉल किए हैं। मैं रियर सीट भी आपको दिखा देता हूँ, अभी थोड़ा सा काम पेंडिंग है। तो इंटीरियर के हिसाब से जो हमने इसमें सीट कवर इंस्टॉल किए हैं देख सकते हो प्रॉपर फिटिंग रहेगी। साथ ही साथ में जो हमने इसमें सीट कवर लगाए हैं स्कॉर्पियो एन के प्रॉपर फुली बकेट सीट कवर हमारे पास आपको मिलेंगे अलग अलग डिज़ाइन में। तो एम्बियंस लाइट आपको दिखाई दे रही होगी, जो इसमें एम्बियंस लाइट इंस्टॉल की गई है। तो ये मल्टी कलर के साथ जो वर्क करेगी वो आपको दिखे। स्टेयरिंग कवर के बारे में, तो जो इस गाड़ी के अंदर स्टेयरिंग कवर स्टिच किया गया है प्रॉपर OEM फिटिंग के साथ ही स्टिच इंस्टॉल किया है, प्रॉपर स्टिचिंग के साथ ही इंस्टॉल किया है। अब आपको दिखा देता हूँ जो रियर कैमरा इस गाड़ी के अंदर हमने लगाया है उसकी फिटिंग आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो जो रियर कैमरे की फिटिंग रहेगी और बिना सॉफ्टवेयर के हमने इसमें जो कैमरा इंस्टॉल किया है तो क्लैरिटी आपको दिखाई दे रही होगी, प्रॉपर क्लैरिटी के साथ हमने इसमें जो कैमरा लगाया है। और जो इसके अंदर खास मॉडिफिकेशन की गई है वो आपको दिखा देता हूँ। तो जो हमने इसमें स्विच चलाया है ओरिजिनल जो फोग लैंप का स्विच है वही इसमें हमने इंस्टॉल किया है, देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो स्विच है देख सकते हो ये फोग लाइट के साथ भी वर्क करेगा। प्रॉपर जो OEM फिटिंग का जो स्विच था वही हमने इसमें जो स्टार्ट किया है। थी Z6 गाड़ी जिसमें हमने काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन की सरदाना का डेकोर पे, सीट कवर इंस्टॉल किए गए हैं देख सकते हो, और साथ ही साथ में जो एम्बियंस लाइट आपको मैंने दिखाई, OEM फिटिंग के साथ OEM फिटिंग का जो हमने इसमें स्टेयरिंग कवर भी स्टिच किया है वो आपको प्रॉपर फिटिंग के साथ दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ में जो हेडलाइट में LED इंस्टॉल की गई है वो भी आपको मैंने दिखा दिया है। तो ऐसी मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हो तो सरदाना का डेकोर पे आप विजिट कर सकते हो और अपनी गाड़ी को बेस से टॉप में कन्वर्ट करवा सकते हो।